हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं प्रियंका और आपके सामने लेकर आई हूं एक और नई सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज से हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नई सीरीज। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने तरह के हम फंड रेज कर सकते हैं, क्या डिसीजंस लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is that managerial activity which is concerned with the planning and controlling of the firm's financial resources. जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक मैनेजमेंट एक्टिविटीज के कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, मोटिवेटिंग करना। ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा एक बड़ा स्कोप है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक मैनेजरियल एक्टिविटी की तरह, जैसे हर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप एचआर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करते हैं कि कैसे आप एचआर डिपार्टमेंट कितना चाहिए उसका प्लान बनाते हैं, फिर उनकी स्टाफिंग करते हैं, फिर उनको आप डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्लान्स डिसाइड करते हैं कि कहाँ से हम कितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, कहाँ से हम उन्हें अरेंज करेंगे, किस तरह से हम उन्हें यूज करेंगे। तो फंड को अलोकेट करना और फंड रेज करना ये सब प्लानिंग में आता है। और उसके बाद सारी स्टेप्स उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना और उस पर कंट्रोलिंग मेजर लगाना। कंट्रोलिंग मेजर से मेरा मतलब है कि जैसे ऐसा हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट को आपने, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपने उनको कुछ फंड दिया कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए या कुछ और ब्रोशर प्रमोशन के लिए, पर उन्होंने उस फंड का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि फंड का प्लान भी बनाना, फंड रेज भी करना और उस पर पूरा कंट्रोलिंग मेजर भी लगाना कि वो फंड जिस चीज के लिए रेज किया गया है वो उसी के लिए यूज किया जाए। तो सिंपली वे में अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। यहाँ पे हम और नेचुरल रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं करते। हम यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लान बनाते हैं और उसको अलोकेट करते हैं और उस पर कंट्रोलिंग मेजर लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। क्यों स्टडी करना जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या जरूरत है अलग से पूरा एक मैनेजमेंट स्टडी करने की जरूरत है। उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका सबसे मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करना एक बात हुई, लेकिन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ये दूसरी बात होती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या एक्सपांड करता है और अपने प्रॉफिट को इनहांस करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको उसके फाइनेंशियल मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने प्रॉफिट के कर्व को हमेशा अपसाइड पर लेके जाएगा। कहने का मतलब तो ये बोलूं कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उसका फुल यूटिलाइज करो, या आपकी जितनी कम कैपेबिलिटी में आप कितना अच्छा काम कर सकते हो वो करना, ये दोनों ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो सोचेंगे कि नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट का बात करेगा तो फिर वो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जिससे कस्टमर को लॉस हो, ऐसा प्रॉफिट जो रीजनेबल हो, जो दोनों के लिए जरूरी हो। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो आपको भी उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो जितना बेनिफिट आप गेन कर रहे हैं उसी के बराबरी में अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ये प्रॉफिट आप इक्विवेलेंट लेवल पर कैसे अर्न करेंगे, ये सारा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। और ये सारा का सारा काम एक फाइनेंशियल मैनेजर का होता है कि वो कैसे अपने फंड्स को इस तरह से यूटिलाइज करता है, इस तरह से यूज करता है कि उसका प्रॉफिट एकदम मैक्सिमाइज रहे। अब दूसरी बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होती है जो शेयर होल्डर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल है कि अपन कंपनी के बारे में बात करते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में कई तरह के शेयर होल्डर होते हैं, हर शेयर होल्डर अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो 100 रुपए हो चाहे 1 लाख रुपया हो, हर व्यक्ति अपना अपना पैसा लगाता है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जितना वेल्थ उसने लगाई है वो मैक्सिमाइज हो, वो ज्यादा से ज्यादा उसको मिल सके। तो जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात आती है तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उसकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी। और वो जैसे आप शेयर वगैरह का बिजनेस करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे ये असेट्स परचेस करना चाहिए या मुझे वो असेट्स परचेस करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेट एनपीवी कैलकुलेट करते हो, जिसको बोलते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका आगे मैं आपको पूरा चैप्टर बताऊंगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप ये पता कर पाते हैं कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है या नेगेटिव में जा रही है। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में जाती है तो डेफिनेटली आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में जाती है तो आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब भी एक शेयर होल्डर अपनी वेल्थ को कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो पहले वो एनपीवी कैलकुलेट करता है, उस एनपीवी के बेसिस पर ही वो उसमें अपनी वेल्थ को लगाता है, अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करता है। तो ये सब काम एक फाइनेंशियल मैनेजर कर सकता है। एक नॉर्मल पर्सन अगर बोला जाए कि उसको नॉलेज होगा तो वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक फाइनेंशियल मैनेजर जिसको थोड़ा भी नॉलेज होता है इन सब काम को करने का, वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है कि कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके वो कैसे अर्न कर सके, कैसे डेली रूटीन के बेसिस पर उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, और कैसे वो अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके मिनिमम एफर्ट्स में, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैसे वो अपनी एनपीवी कैलकुलेट करके ये पता कर सके कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई ऑब्जेक्टिव्स की। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 2 टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं। एज ए फाइनेंशियल मैनेजर मैं आपको इस तरीके से ट्रीट कर रही हूं अभी कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपको 2 तरीके डिसीजन लेने होंगे, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 तरह के डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, जिसको हम 3 अलग नाम से और बोलते हैं, असेट्स मिक्स, कैपिटल मिक्स और प्रॉफिट एलोकेशन। असेट्स मिक्स जैसे कि आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कुछ असेट्स परचेस करेंगे। डेफिनेटली चूंकि ये लॉन्ग टर्म है तो हम लॉन्ग टर्म असेट्स ही खरीदेंगे या लॉन्ग टर्म असेट्स में ही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इसमें 2 तरह की बात होती है, एक ये हो सकता है कि आप किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा रहे हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरा ये भी होता है कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में रन करती हूँ तो मैं खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बिग मशीन परचेस करनी है तो जब मैं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मशीन देखी और उसको परचेस कर लिया, ऐसा नहीं होता। आप 2 मशीन को आपस में कंपेयर करते हो, उनकी एनपीवी कैलकुलेट करते हो, सेम वही बात आप उनके कैपिटल बजटिंग डिसीजन करते हैं। ये आगे पूरा एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का। फिर आप उसमें ये देखते हैं कि मुझे इससे मैंने कितना पैसा लगाया और मुझे कितने सालों तक कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, तो ये प्रपोजल मेरे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रपोजल मेरे लिए फ्रूटफुल है, मुझे इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये मशीन मेरा कैश इनफ्लो बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। दूसरी बात आती है कैपिटल मिक्स और फाइनेंशियल डिसीजन की। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं, आप इस नजरिए से भी सोचे तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं बड़े लेवल पर तो आपको फाइनेंस की जरूरत होती है। कोई भी पर्सन जब अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करता है तो वो अपना सारा पैसा ऑर्गेनाइजेशन में अपना स्वयं का नहीं लगाता, डेफिनेटली वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में वो अपने लोन्स को ऐड करता है, अपने डेब्ट्स को ऐड करता है और अपने शेयर होल्डर इक्विटीज को ऐड करता है, तो वो एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाता है। तो कैसा कैपिटल मिक्स आपको बनाना चाहिए जिस पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम है, क्योंकि आप जो भी फंड से बोरो करेंगे डेफिनेटली आपको उनको एनुअल बेसिस पे कुछ ना कुछ रिटर्न देना होगा। तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपको उस बेसिस से बोरो ज्यादा से ज्यादा मिले जिसपे आपका रिटर्न कम से कम हो। रिटर्न का मतलब जिसपे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम देना पड़े। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आगे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जिनमें हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे। प्रॉफिट एलोकेशन और डिविडेंड डिसीजन। डेफिनेटली जब कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी में पैसा लगाता है या आपसे कुछ और इक्विटीज परचेस करता है या प्रेफरेंस शेयर परचेस करता है तो आपसे डिविडेंड की उम्मीद करता है कि डेफिनेटली आप उसको ईयरली बेसिस पर कुछ ना कुछ डिविडेंड देंगे और ये प्रॉफिट एलोकेशन का हिस्सा होता है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसको कितना प्रॉफिट अलोकेट करना चाहिए। अलोकेट का मतलब कि कुछ प्रॉफिट तो हम बिजनेस के लिए वापस रीयूज पर्पस के लिए रख देते हैं कि इससे हम आगे और फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए और डेली रूटीन एक्सपेंसेस के लिए और डेली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रख देते हैं। और कुछ पैसा हम हमारे शेयर होल्डर्स में, हमारे इक्विटी होल्डर्स में एज ए डिविडेंड, एज ए इंटरेस्ट उनको रीपेमेंट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि आपको कितना डिविडेंड पे करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक साल आपने बहुत अच्छा डिविडेंड पे कर दिया पर अगले साल आप नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आप आपके शेयर होल्डर को डिसअपॉइंट करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है। इसमें आप डिविडेंड पे आउट रेशो निकालते हैं, रिटेंशन रेशोज निकालते हैं, जो कि पूरा एक रेशोज का चैप्टर है। उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाते हैं कि इस साल मेरा डिविडेंड का रेट 10% होगा या 5% होगा या 6% होगा, सो एंड सो। शॉर्ट टर्म असेट्स मिक्स और लिक्विडिटी डिसीजन। शॉर्ट टर्म असेट्स में जैसे आती है हमारी करंट असेट्स और हमारी लिक्विड असेट्स। तो करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स तो बहुत शॉर्ट टर्म है, आज है कल नहीं है, इवन आज एक घंटे पहले और एक घंटे बाद नहीं है। तो इस तरह के जब आप असेट्स के डिसीजन लेते हैं तो बेसिकली आप लिक्विडिटी के बेसिस पर लेते हैं, क्योंकि ये आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप कोई परचेस करते हैं, सैलरी देते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन सब के लिए जब आप कोई असेट्स मिक्स बनाते हैं शॉर्ट टर्म का, तो वो होता है आपका लिक्विडिटी डिसीजन कि आपको किसको कब पेमेंट करना चाहिए और कितना करना चाहिए, किससे कितना क्रेडिट बेसिस पर लेना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि आपके डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है। डेफिनेटली वो तीन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, वो आपके इंडोमेंट फंड को बनाता है, पर शॉर्ट टर्म डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनका हम आगे पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ फंड, long term fund, short term fund. Long term fund, this fund are always borrowed for longer period to fulfill the long term needs to the organization. These are generated through modes like equity, debenture, long term loans. जैसा कि अपन ने अभी बात करी कि जो हम तीन डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स को लेकर, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? इक्विटी, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आप किसी इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, आप बैंक से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये फंड हमेशा हम लॉन्गर पीरियड के लिए बोरो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बेस को स्ट्रांग करते हैं। पर एज ए ऑर्गेनाइजेशन पर्सन आपको एनुअल बेसिस पर जो डिविडेंड होल्डर है, जो इक्विटी होल्डर है और जो जिन्होंने आपको लोन दे रखा है, आपको उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना होता है। दिस फंड आर यूज्ड टू फुलफिल शॉर्ट टर्म और डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि इस तरह के फंड हमें डेली बेसिस पे लगते हैं। जैसे एवरी मंथ हमें फंड लगते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करना है, ऑर्गेनाइजेशन का रेंट पेड करना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है बेसिकली जो प्रोडक्ट का आप काम करें, जिस सर्विसेज का आप काम करें, उसको जब आप सेल करते हैं और जो आपको कैश इनफ्लोज आते हैं उससे आप इन एक्सपेंसेस को फुलफिल करते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो आपके क्या रोल होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं आज आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर अपॉइंट करती हूँ तो किस तरह के रोल आपको फुलफिल करना पड़ेंगे? सबसे फर्स्ट रोल आता है फंड रेज करने का। आप कहां से फंड रेज करेंगे? डेफिनेटली जब आप फंड रेजिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा था कि मेरे घर का जितना पैसा है मैंने जाके अपने बिजनेस में लगा दिया और बस मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये बात होती है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मॉल स्केल पे काम करता है। लेकिन जब आप एक बिग कंपनी की बात करते हैं, जब अंबानी और टाटा बिरलास की बात करते हैं, तो ये अपने घर का पूरा फंड नहीं लगाते, ये डेफिनेटली अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं जिससे ये फंड रेज करते हैं। ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म की। ये लोग कुछ शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स भी इशू करते हैं 1 ईयर मैच्योरिटी के, जिससे भी फंड रेज करते हैं। ये बैंक से लोन लेते हैं, ये कोलेटरल सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मोड है। एक गुड फाइनेंशियल मैनेजर वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हुए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखते हुए फंड रेस करें, वही एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर होता है। ऐसा नहीं कि आपने फंड रेस तो कर लिया और ऐसे रिसोर्सेज से फंड रेस किया जिसका आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो फंड किसी काम का नहीं है। सेकंड आपका रोल आता है फंड्स एलोकेशन करने का। आपने फंड तो रेस कर लिया, अब आपके पास पैसा आ गया, आप फाइनेंस मैनेजर हैं, तो डेफिनेटली फंड्स पूरा आपको एलोकेट भी करना है। एलोकेशन का मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का लाइफ ब्लड होता है फाइनेंस। बिना फाइनेंस के वो कोई भी काम नहीं कर सकता है, एचआर हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उनको फंड की जरूरत होती है। तो आप किस तरीके से फंड का एलोकेशन करेंगे, ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि आपने आपके अकॉर्डिंग कि मैंने तो मुझे वो डिपार्टमेंट पसंद है, मैंने उससे ज्यादा अलोकेट कर दिया, उसको कम दिया, ऐसा नहीं। आपको डेफिनेटली एक प्रॉपर अलोकेशन टेबल डिजाइन करनी होगी और आप उसके अलोकेशन के टेबल के अकॉर्डिंग ही आप फंड को अलोकेट करोगे। और फंड अलोकेट करने के बाद उनके ऊपर आप कंट्रोलिंग मेजर भी पूर्ण रूप से लगाएंगे कि जो फंड आपने उनको अलोकेट किया है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर भी रहे या नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आती है प्रॉफिट प्लानिंग की बात। फाइनेंशियल मैनेजर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है प्रॉफिट का प्लान बनाना। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, आप फंड रेस करते हैं, तो फंड आपको कोई किस बेसिस पर देगा, आप आपको उसको आपके फ्यूचर प्रोजेक्शन बताते हैं कि हम इतना फंड, हमें इतना चाहिए, हमारी फ्यूचर की ये पॉलिसीज है, हम इस तरीके से काम करेंगे और डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट प्लानिंग इस तरह से, हम लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं कि हम इस साल में इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये प्रॉफिट का प्लान बनाना, ये सारी चीजें डिसाइड करना, इसमें आपकी कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, क्या प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, कितना वॉल्यूम आप प्रोडक्ट करेंगे और करेंगे, आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या क्या होगी, ये सब कुछ एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम है प्रॉफिट प्लानिंग के अंतर्गत, जिसमें वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को डिजाइन करके चलता है कि ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होंगी, मैं इतने पे इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट का प्लानिंग है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मैनेजर का। जैसा कि कैपिटल मार्केट आप सभी जानते हैं, जिसमें इन्वेस्टर है और फर्म जो होती है वो बोरोअर होती है, टुगेदर दोनों काम करते हैं, तो वो होता है कैपिटल मार्केट, जिसमें एक इन्वेस्टर है और एक बोरोअर है, और डेफिनेटली जो फर्म होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोरोअर होता है। तो आपका काम है कि उस एक्टिविटीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और प्रॉपरली मेंटेन करना, ताकि आप कोई भी डिसीजन, जाके वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप प्रॉपरली ले पाए और आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए। तो ये तो चार बात हुई रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर की। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो और कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।